कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, निर्विकार है, एक रस है, शरीर जड़ है, ये प्रकाशित है, ये परिवर्तनशील है, तो जड़ शरीर का जन्म मरण हो नहीं सकता क्योंकि जड़ वस्तु है, इसमें कोई चेतना नहीं है। आत्म तत्व के प्रकाश से अंतःकरण में चेतना पड़ रही, उसी में एक नया अहम जागृत हो गया और वो इंद्रियों में प्रकाश पड़ रहा है। इससे चेतना जिसे त्वगेंद्री है तो ये इंद्रिय अनुभव करा रही, ये शरीर जड़ है। इंद्रिय को जो अनुभव हो रहा है वो अंतःकरण से, अगर मन को शून्य कर दे तो त्वगेंद्री को काट दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंतःकरण को जो पावर मिल रहा है वो आप्त काम पूर्ण काम उस आत्म स्वरूप से स्वाभाविक, तो आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता क्योंकि चेतन अमल सहज सुख राशि, और जड़ शरीर का तो यही भस्म हो जाता है। फिर ये अगला जन्म किसको होता है, फिर ये जन्म मरण होता किसको है? तो श्री भगवान ने वर्णन किया कि इसका मुख्य कारण देहाभिमान है। तीन शरीरों पर अभिमान करने वाला, दस इंद्रियों पर अभिमान करने वाला, पंच प्राणों का अभिमानी, ये बार बार जन्म मरण को सूक्ष्म शरीर वाला प्राप्त होता है। सूक्ष्म शरीर के अभिमान में स्थूल तो यही छूटता है। तो कल चर्चा हुई थी कि स्थूल शरीर क्या है, ये जरूर जानना चाहिए। जैसे हमको यहां से छठी करा जाना है तो हमें पता होना चाहिए इतने मोड़ आएंगे, इतने किलोमीटर बाद छठी करा आएगा, हमें पता होना चाहिए मार्ग का। तो हम भगवत मार्ग के पथिक हैं। पहला है ये ढांचा जिसे आप देख रहे हो, ये मैं नहीं है और ये मेरा नहीं है, पक्का 100% कहीं भी आप ये नहीं है। क्या है ये स्थूल शरीर जिसे आप देख रहे हैं जागृत अवस्था में? बोले मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म और त्वचा, ये सात धातुएं भरी हुई हैं। हड्डी के ढांचे में ये छह, मज्जा मेद मांस रक्त चर्म त्वचा और अस्थि, हड्डियों के ढांचे में सब लगा हुआ है, ऊपर से चमड़ी लगी हुई है। ये चरण जंघा छाती भुजा पीठ मस्तक आदि अंग उपांगों से युक्त, ये हर समय ऐसा स्फुरण होता रहता है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा ये भोग सामग्री है, मेरी ये संपत्ति, ये अविद्या। ये पूरा ढांचा आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी, इन पांच भूतों से रचा हुआ है। इसमें मज्जा अस्थि मेद मांस रक्त चर्म त्वचा, ये सात धातुएं पंचभूतों से इसका निर्माण हुआ है। अंग उपांगों से युक्त ये जो ढांचा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। जो इस स्थूल शरीर को मैं मान लेता है और फिर परमार्थ मार्ग में चलता है, तो ऐसा है मानो भव समुद्र को पार करने के लिए उसने मगरमच्छ को समझ लिया कि ये कोई नौका है और उस पर चढ़ गया, एक झटके में मगरमच्छ ले गया उसे। ऐसे ही इस शरीर को भोगायतन, स्थूल शरीर को मैं मान करके विषयों में सुख बुद्धि और मैं आनंद प्राप्त कर लूंगा, तो ठीक ऐसा हो गया जैसे मगरमच्छ में चढ़ करके समुद्र पार होना चाहता है। ये अहम साधना का फल है, इस शरीर से देहाभिमान गलित हो जाना। चाहे जिस मार्ग से चलो, भक्ति से, ज्ञान से, अष्टांग योग से, सांख्य योग से, कर्म योग से, पहला कार्य होगा आपको जो सिद्धि मिलेगी इसकी, इस शरीर से राग हट जाना। अगर इस शरीर में राग जितना पुष्ट है उतना ही अज्ञान पुष्ट है। यदि तुझे संसार के दुखों से मुक्त होने की इच्छा है तो इस शरीर से अपनापन तुझे हटाना होगा। कितना कठिन है हटाना, अभी एक भी परमार्थ का शास्त्रीय लक्षण नहीं है और इतने इतने मोटे ग्रंथ के हम रचयिता हैं शास्त्र। अरे बुद्धि की तुकबंदी जोड़ने से शास्त्र रचयिता नहीं होते, ये शास्त्र समाधिस्थ महापुरुषों ने
जो आत्मस्वरूप को प्राप्त है, साधन चतुष्टय का एक भी साधन नहीं है, बातें बनाने से नहीं, आपको वास्तविक परम पद और मोक्ष पदवी प्राप्त करने के लिए ये मानव देह मिला है। शरीर में जिसने मोह रख लिया वो ये सोच ही नहीं पाता कि मुझे मुक्त होना है। मोह एव महामृत्युर मुमुक्षोर वपुरादिशु, इस शरीर से प्यार करने वाला ये सोच ही नहीं सकता कि मैं मुमुक्ष मोक्ष प्राप्त कर लूं, मैं मुक्त हो जाऊं इस संसार से। ये शरीर में मैं बन रहना महामृत्यु महान दुखदाई है, ये समझ में कहां आता है? इस शरीर से मैंपन रखना, मेरापन रखना, ये भारी दुखों का जाल है, दुखालयम। ये मोहम जाहि महामृत्युम देहदारशुतादिशु, जब ये महामोह पुष्ट होता रहता है कि मैं शरीर हूं, तो फिर ये और गांठ के ऊपर गांठ लगती, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मेरा 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 मेरा, मोटी गांठ तैयार हो गई। पहली जड़ चेतन की ग्रंथि भ्रम से पड़ गई, अब उसके ऊपर और ये ग्रंथियां पड़ती चली जा रही है। इसलिए उपासक को चाहिए कि गुरुदेव के कृपा प्रसाद से प्राप्त ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा इन गांठों को काट दे। ज्यादा समय नहीं है, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। हमें मुक्त होना है, हमें इन द्वंद्वों से मुक्त होना है, हमें इन पापाचरण से मुक्त होना है, हमें इन शरीर के रागों से मुक्त होना है। इस शरीर का तदात्म भाव जो तुम्हें प्राप्त हो गया है, इसी से तुम्हें ये नाना प्रकार की भोग सामग्री प्रिय लग रही है, और बाह्य इंद्रियों से भोग सामग्री में मत वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। बाह्य इंद्रियों से भोगों में सुख की भावना करके जो मत वाला हो गया है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। ये स्थूल देह ही जरा मरण, स्थूलता, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, वर्णाश्रम, नाना प्रकार की पूजा, मान, प्रतिष्ठा, अपमान, दुख सुख इस प्रपंच में फंसाता है, स्थूल का मैपन। अब आगे कहते हैं, जब शरीर छूटता है तो स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है, फिर जन्म किसका होता है? अंताकरण का अहम धर्म सूक्ष्म शरीर को लेकर के अगला जन्म, फिर वो कवर बदल जाता है। बोले हिरण का मिल गया, सुअर का मिल गया, देवता का मिल गया, ऊपर का पांच भौतिक जो देह है ये स्थूल देह बदल जाता है, सूक्ष्म पूरा वही रहता है, अनेक जन्मों से वही चला रहा है, स्थूल बदलता चला जाता है। अब देखिए सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? स्थूल तो सुना, सूक्ष्म शरीर वागादि पंच, श्रवणादि पंच, प्राणादि पंचाभ्रमुखानि पंच, बुद्ध्याद्य विद्यापि च काम कर्मणि पुर्यष्टकम् सूक्ष्म शरीर माहु। वागादि पंच इंद्रिया, श्रवणेन्द्री, त्वगेन्द्री, नेत्रेंद्री, घ्राणेन्द्री और जिभ्या, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। वाकेन्द्री, पाणेन्द्री, पादेन्द्री, गुदाइंद्री, उपस्थेन्द्री, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां। वाक वाणी, पाणी हाथ, पाद पैर, और मल त्याग का स्थान, और जनेन्द्री, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। और जिनसे शब्द का ज्ञान होता है श्रवणेन्द्री, स्पर्श का ज्ञान होता है त्वगेन्द्री, रूप का ज्ञान होता है नेत्रेन्द्री, सुगंध का, गंध का तो घ्राणेन्द्री, और रस का ये रसेन्द्री। इसमें दो इंद्रियां, एक कर्मेंद्री और एक ज्ञानेन्द्री। रसेन्द्री रस ग्रहण करना, वाकेन्द्री ये कर्मेंद्री है, पांच कर्मेंद्रियां। अब हाथ पैर सब यहीं तो छूट गए, लेकिन इंद्री साथ गई है। अब जो शरीर मिलेगा यातना दे, उसमें वही हाथ पैर वही वही पूरा वैसे ही स्वरूप होगा। जैसे
एक मन स्वप्न में सब कुछ रच देता है। हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पिटते भी हैं, पीटते भी हैं, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, वहां कुछ नहीं होता, केवल एक मन का विलास होता है। उस समय थोड़ी पता चलता कि मैं पिट रहा नहीं रहा हूं, केवल ये स्वप्न है। ऐसे ही नरक है, ऐसे ही स्वर्ग है, चाहे सुखद घटना हो या दुखद घटना, पूरा अनुभव होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ होता है। जैसे लोग सोचते ना कि हम तो मर गए हैं, शरीर छूट गया, तुम नहीं मर गए, केवल शरीर छूटा है, तुम तो सूक्ष्म शरीर के साथ फिर कर्मानुसार आगे जाओगे जब तक मुक्त नहीं होगे। तो पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री और पंच प्राण, प्राणापान व्यानो दान समाना भवत्यशहु प्राण। ये पांच प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये पांच प्राण रहते हैं, पांच कर्मेंद्री रहती है, पांच ज्ञानेंद्री रहती है, और आकाश आदि पंच महाभूत सूक्ष्म रूप से, बुद्धि मन चित अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय रहता है। संकल्प विकल्प करने के कारण मन, निश्चय करने के कारण बुद्धि, मैं अहंकार और चिंतन चित्त, ये चार अंतःकरण चतुष्टय है। अज्ञान अविद्या कामना कर्म ये अगला जन्म दिला रहे हैं। अविद्या कामना, कामना से कर्म, उसके संस्कार, शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये दोनों साथ लेकर पूरे सूक्ष्म शरीर को, आत्म तत्व एक व्याप्त बहुत बड़ी सामर्थ्य समझो, उसका आना जाना कहीं नहीं। जैसे बनेगा नहीं कोई उदाहरण उसका, पर एक बहुत बड़ा पावरफुल चुंबक कपड़े से ढक दिया जाए और इधर लोहे का कोई यंत्र खड़ा कर दिया जाए, कोई चित्र खड़ा कर, वो नाचने लगेगा। जैसे आप चुंबक को हिलाएंगे वो वैसे ही नाचता नजर आएगा, ये चुंबकीय शक्ति से वो नाच रहा है, दूर है कुछ नहीं। ऐसे ही पूरे शरीर को फाड़ के देख लो, कहीं आपको आत्म तत्व तो नहीं दिखाई, पावर उसी का है। ऐसे वो पावर अनंत जन्म लेता चला जाए, वो पावर वहीं व्याप्त है, उसका कहीं आना जाना नहीं होता कि शरीर गया तो उसके साथ आत्म तत्व तो गया, ऐसा नहीं, वो एक व्याप्त तत्व है। इसीलिए बड़ा कठिन समझना है, भगवान का कहीं आना जाना नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे समझो, कोई भी कण नहीं जहां भगवान ना हो, उनका आना जाना नहीं। इसलिए वो कहते हैं मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूं, वो मेरे में प्रवेश नहीं करते, तब यथा कि आप प्रवेश नहीं, क्योंकि वही बने हुए हैं, तो प्रवेश तब करें ना, वहां नहीं, सब पूरा ब्रह्मांड अनंत उसी प्रकाश से प्रकाशित है। अब सूक्ष्म शरीर में जो अहम अंतःकरण का था, वही जाकर के रूप धारण कर लेता, सुअर बन गया, कुत्ता बन गया, देवता बन गया, अमुक बन गया, अमुक बन, आत्म तत्व वैसे ही सबको प्रकाश दे रहा है, बल दे रहा है, पर वो निर्लेप है, सुख दुख कोई उसका स्पर्श नहीं कर सकते, जन्म मरण उसका कभी होता नहीं है, वो केवल सूक्ष्म शरीर का अभिमानी मैं, वही बार बार जन्म मरण लेता है, ना जन्म होते हुए भी जन्म होता है, ना मरण होते हुए भी मरण होता है, बड़ी अद्भुत पहल है। ये लिंग शरीर कहा जाता है, सूक्ष्म शरीर, ये वासना के कारण ही बार बार जन्म लेता है, स्वरूप का ज्ञान ना होने के कारण या आत्मस्वरूप भगवान से प्रेम ना होने के कारण ये बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता रहेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। अगर रुक सकता है तो दो ही बात में, या तो भगवान में प्रेम हो जाए या स्वरूप का बोध हो जाए। यह जो हमारे अंदर प्राण धर्म है, ये पहचाना जाता है श्वास प्रश्वास से। सब अलग अलग चीज अगर समझ जाओगे तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। क्या, पहले तो देखा स्थूल शरीर, वो तुम नहीं हो। दूसरी बात, ये जो हम सूंघते हैं बहुत सुगंध आई, ये घ्राणेन्द्रीय का विषय, तुम्हारा नहीं है। सुनते हैं, श्रवणेन्द्रीय का विषय है। भोगते हैं, स्पर्श सुख कोमल कठोर, ये त्वगेन्द्रीय का विषय है। ये पांच ज्ञानेंद्रीय और पांच कर्मेंद्रीय के विषय को मैंने अपना मान लिया, अंतःकरण चतुष्टय को मैंने अपना मान लिया, अब
जो प्राण है, श्वास प्रश्वास ये प्राणों की गति है, ये इससे शरीर चल रहा है। प्राण निकल जाएंगे, शरीर यहीं छूट जाएगा, प्राण साथ जाएंगे सूक्ष्म शरीर के। जम्हाई लेना, छींकना, कंपायमान होना, उछलना, क्रियाएं करवाना, ये प्राण शक्ति से होता है, तुम करता नहीं हो। जब ये सच्ची ज्ञान हो जाएगा तो महापुरुष हो जाता है, अभी शायद समझ में ना। भूख लगना, प्यास लगना, ये सब प्राण का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं। देखो ना कहां फंसे हैं, प्राण धर्म में, इंद्रिय धर्म में, देह धर्म में। बड़ा विचित्र खेल, बड़ा विचित्र खेल माया का, बड़ा विचित्र खेल है। देर नहीं लगता हम सिद्ध हो जाते हैं, बंधन एक भी नहीं काट पाए और बंधते चले जाते हैं। तो किसको धोखे में डाला, अपने आप को डाला, तभी समझ में नहीं आता। अरे आपने आना नहीं पाया तो प्राणों का धर्म है और ना पाना, पानी नहीं पिया तो प्राणों का धर्म है, या पानी पी के रह रहे तो प्राणों का धर्म है, आपका थोड़ी धर्म है, आप काहे को गर्व करते हो। मैंने इतने दिनों से ये नहीं कि कौन सी खास बात हो गई, मछली तो जीवन भर पानी केवल पी के रहती है, कितने पक्षी वायु पी के रहते हैं, रज खा के रहते हैं, कितने फल खा के रहते हैं, ये व्यर्थ की बातें क्यों, साधक के जीवन में व्यर्थ की बातें क्यों। ये प्राणों का धर्म है, खाना पीना, श्वास लेना, जम्हाई, कांपना, उछलना, तत्वज्ञ पुरुष से कभी अपना नहीं मानता, इसीलिए निरपेक्ष रहते हैं। अब प्राणों को धारण करने के लिए अन्न जलवायु की जरूरत है, ऐसे खप्पर लंबाया भिक्षाम दे, जो मिला उसको ऐसे देखा भी नहीं कि क्या डाला, मिलाया और प्राणों में डाल लिया कि प्राण केवल संचलित होने हैं इनसे अपने लिए। या तुम प्राणों का पोषण कर रहे हो या रसेंद्री का पोषण कर रहे हो, आप ये भी नहीं जानते कि ये रसेंद्री का आहार है, आप जानते हैं मैं खा रहा हूं, आज मैंने भोगा तो ये दुर्गति करवा देगा, समझना है। सत्संग का मतलब मनोरंजन नहीं होता, सत्संग धज्जियां उड़ा देगा तुम्हारे अज्ञान की, तुम्हारे अज्ञान की धज्जियां उड़ा देगा, उसे अध्यात्म का सत्संग कहते हैं। जिसने सुना भले समझ न पावे लेकिन अमोघस्य उसका निश्चित कल्याण होना शुरू हो जाएगा, उसे सत्संग कहते हैं। बिना ही प्रयास होई भव भंगा, ये प्राण के धर्म है। खाना पीना, जम्हाई लेना, श्वास लेना, उछलना, या क्रियाओं में बहुत प्रवीणता होना, बलवान प्राण है तो उनके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, बहुत बहुत निर्विकार कर देने वाला ये विषय है अगर समझ में आ जाए। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, वो अपने अपने विषय पे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है, और क्रियाएं और भोग ये कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, और इन सब का मुखिया है अंतःकरण। अंतःकरण में मुखिया है अहंकार। अंतःकरण में तेषु चक्षुरादिषु वर्ष्मणि अहमित्यभिमानेन तिष्ठत्याभास तेजसा। ये जो अंदर होता रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं, ये इन इंद्रियों को काबू में करके वही आचरण कराता है जिससे अगला जन्म हो जाए, दुर्गति हो जाए। मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, इंद्रियों का विषय है, मैं भोगूंगा, मैंने ये भोगा, अब मैं ये भोगूंगा, यही उसकी दुर्गति। वासना दुर्वासना मम सदा परिकर्षंती, वो ये आप में नहीं है, ये अंतःकरण में है, ये इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, ये प्राणों के द्वारा हो रहा है। आप इसे अपना मैं मान रहे हैं, बस इसी को भोगना पड़ रहा है। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। इससे शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा अगर समझ में आ रहा हो भगवान की कृपा से। तो इस अहंकार को जो जान गया, इसको जानने वाला है, क्योंकि ये अहंकार अंतःकरण में, और इसका दृष्टा और कुछ है, वो दृष्टा तू है। तू अपने को भूलकर उस अहंकार में लिप्त हो गया, मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं चलता हूं, मैं सोता हूं, मैं जागता हूं। इसलिए पांचवें अध्याय में गीता जी में, वो देखता हुआ, सुनता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, चलता हुआ भी नहीं चलता, और भक्त का भी यही स्वरूप हो जाता है। चलत चितवत दिवस जागत,
चाहे वो चल रहा है, वो जाग रहा है, दिन है या रात है। स्वपन सोवत रात हृदय ते वह श्याम मूर्ति इतना उत जात। रात दिन भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुधिना रही, एक रहे हो नंदलाल। ये है भगवत प्राप्ति। यहां देर नहीं लगती है, इसे चाट मसाला समझे भगवत प्राप्ति। ना इंद्रियों का दमन है, ना प्राणों का ज्ञान है, वो छोटी छोटी सी साधनाएं। इन बाहरी इंद्रियों और प्राणों की होने वाली को अहम कर लिया जाता है और हमको पता चल जाता है कि हम तत्व ज्ञानी हो गए, हम सिद्ध हो गए। बड़ा विचित्र खेल, बड़ा विचित्र खेल। हाँ, ज्ञानी है तो अपने आत्मस्वरूप को देखता है, भक्त है तो अपने भगवान को देखता है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान, ओ वासुदेवा स्वरमिति भक्ति। सीए राम में सब जग जानी, सबके चरण पढ़, भक्ति से सबके चरण पढ़, ज्ञान से कोई दूसरा है ही नहीं, वही कृष्ण बने हुए हैं। बस यही भ्रम हो जाता है। फिर चले थे चढ़ने, उतर कर वही नीचे गिर जाते हैं जहां फिर कर्म बंधन हमें बांध लेता है। सच्चाई, इसीलिए कल या परसों एक प्रश्नकर्ता कह रहे थे, मैं अगला जन्म लेना चाहता हूं। उनका भैया 40 वर्ष में देखा है सृष्टि का परिवर्तन कितने जोर से हुआ है। अब अगले जन्म में साधना होगी, बहुत कठिन बात है, क्योंकि जो पहले एकांत सेवन करके चित्त वृत्ति बहिर्मुख ना होने पावे, हम लगाते थे मोबाइल देवता की सृष्टि कर दी, वो कुन्न कुन्न बहिर्मुख ही बनाए रखेंगे। जहां हम दूसरे से बात करने से डरते थे, वहां सैकड़ों मैसेज हमारे पास दिन भर आएंगे, हम क्या वृत्ति भगवदाकार कर पाएंगे। जहां हम किसी से संबंध ना रख करके एक सच्चिदानंद से संबंध जोड़ना चाहते थे, हजारों नंबर सेव किए हुए हैं, कैसे बनेगा, कैसे भगवदानंद में खिलवाड़ समझ रखा है। अब ये हो गया है, अब आगे और जहां इज्जत मानी जाती थी, धर्म माना जाता था, मर्यादा माना जाता था, वहां मनोरंजन शुरू हो गया है। जिसे हम मानते थे कि हमारा जीवन भ्रष्ट हो जाएगा, वहां हमें कोई मतलब नहीं रह गया उस विषय से। साधना, साध्य, ब्रह्मबोध, भगवत प्रेम, देखो आगे चल करके केवल शब्द शास्त्रों में लिखे रहेंगे। कोई बिरला ऐसा होगा जो एकांत सेवन करके अपने चित्त को सच्चिदानंद में स्थापित कर पाए। इसलिए हमें लगता है ये प्रार्थना मत करो कि आगे जन्म हो, ये प्रार्थना करो कि प्रभु अब कलिकाल में दोबारा जन्म ना हो, और हो तो आप हमारे साथ आना। अर्थात महाभागवत के रूप में जन्म हो, सिद्ध पुरुष के रूप में जन्म हो, जगत मंगल हो, कोई बात नहीं, लेकिन साधक बना के मत भेजना। क्योंकि अब साधना के लिए ना तो आपके महापुरुषों का सानिध्य मिल पाएगा, और ना आपकी आराधना करने का आहार विहार वातावरण मिल पाएगा।